फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परिदृश्य का ये वीडियो नंबर 4 है। बाकी के 3 वीडियो आप एग्जाम स्टडी एक्सी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी बाकी 3 वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि 8 जनवरी 2020 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड IGGL को वायबिलिटी गैप फंडिंग के पूंजीगत अनुदान देने की मंजूरी दी है। IGGL का गठन कब हुआ था? तो IGGL का गठन जो है 10 अगस्त 2018 को हुआ था। दरअसल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की एक परियोजना है जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की ग्रिड तैयार करना है, और ये ग्रिड तैयार करना है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड कंपनी को। तो इस कंपनी को वायबिलिटी गैप फंड के द्वारा जो है वित्त मुहैया करवाया गया है, फाइनेंशियली सपोर्ट मुहैया करवाई गई है। तो यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग को जानना सबसे ज़रूरी है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग है क्या? दरअसल जब कोई भी परियोजना जिसके तहत आधारभूत ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे मान लीजिए हाईवे हुआ या हवाई अड्डे हुआ, तो इस तरह की परियोजनाओं में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो ऐसी परियोजनाओं को जो फंडिंग होती है, जो वित्त मुहैया करवाया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है, वो एक व्यवस्था के तहत किया जाता है, और इसी व्यवस्था का नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग। और इसी व्यवस्था के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो कि अपने आप में एक क्या कहते हैं पेट्रोलियम उत्पादों को, या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है, तो उसी के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की ग्रिड जो है वो तैयार की जाएगी इंद्रधनुष गैस ग्रिड कंपनी लिमिटेड के माध्यम से, जिसकी स्थापना 10 अगस्त 2018 को की गई थी। और यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से इसको अनुदान वित्त मुहैया करवाया गया है, जैसा कि अन्य परियोजनाओं के तहत किया जाता है। और अगला सवाल देते हैं, 6 जनवरी 2020 को किसने नई दिल्ली के तुगलकाबाद में द दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। और अगला सवाल है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। और आपको पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि इसी अधिनियम के खिलाफ में मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो यानी कि दो सवाल यहाँ से बनते हैं, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो आया है वो किस अधिनियम को संशोधित किया गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करके बनाया गया है, और मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और अगला सवाल लिखते हैं कि 14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 14 दिसंबर 2019 को मोदी जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। और अगला है कि दिसंबर 2019 में भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा सचिवों की संवाद 2+2 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया जा चुका है नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। और यहाँ पर देखिए विदेश और रक्षा सचिव, इसलिए देखिए यहाँ पर 2+2 लिखा है। दरअसल 2+2 वार्ता तब होती है जब किसी भी दो देशों के बीच में दो स्तर पर वार्ता होती है। जैसे यहाँ पर एक विदेशी स्तर पर विदेश मामलों पर वार्ता हुई है और दूसरा रक्षा मामलों पर वार्ता हुई है। और अगला सवाल है कि नवंबर 2019 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला संस्थान सिंगापुर से संबंधित है, जिसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और वहीं पर भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे को जो है वो 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। और नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? तो राजस्थान के सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। और प्रवासी पक्षियों में बहुत सारे पक्षी आते हैं, जिनमें एक सबसे प्रमुख और चर्चित पक्षी है फ्लेमिंगो पक्षी। चलिए अब यहाँ पर राजस्थान के सांभर झील से जुड़ी और सारी घटनाओं को देख लेते हैं। और एक बीमारी थी बॉटुलिज्म बीमारी, जिसके कारण जो है वहाँ पर पक्षियों की मौत हुई थी। सांभर झील जो है वो दरअसल राजस्थान में 230 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसका विस्तार जो है वो जयपुर से नागौर के बीच में है। अब यहाँ पर जिन पक्षियों की मौत हुई थी, प्रवासी पक्षियों की, वो पक्षियों की मौत हुई थी दरअसल एक बीमारी की, उसका नाम था एवियन बॉटुलिज्म। दरअसल बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से हुई थी। इस बैक्टीरिया का नाम था क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिन। तो ये क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिन जो है एक विशेष प्रकार का जहर पैदा करता है, और इसी जहर के कारण जो है एवियन बॉटुलिज्म बीमारी हुई थी, जिसके कारण पक्षियों की तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता था, जिसके कारण वो चलने में असमर्थ होते थे और ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती थी। और साथ ही में यहाँ पर जान लेते हैं कि 1990 में सांभर झील को रामसर साइट के जो है सूचित स्थलों में रामसर साइट में शामिल किया गया है।